5, 4, 3, 2, 1, 0. अरे वाह, कितने सारे लोग आए हुए हैं आज यहाँ पर। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद से यहाँ पर आए होंगे, पर मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं आज यहाँ जो बार बार किसी के बोलने के बाद आज यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन इन लोगों ने अंदर ही अंदर अपने दिमाग में ये बात सोच के रखी हुई है कि ना तो वो लोग कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे और ना ही वो ये बिजनेस करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि उनका दिमाग जो है वो काफी सीमित है इस वक्त। मैं ये बात कुछ लोगों के चेहरे के हाव भाव को देखकर समझ सकता हूँ, पर आपको इतनी फिक्र करने की जरूरत है ही नहीं। दरअसल MLM या नेटवर्क मार्केटिंग की समाज में बहुत ज्यादा अच्छी छवि है ही नहीं, फिर भी कोरिया जैसे देश ने ऐसे बिजनेस को लीगल बिजनेस की मान्यता दी हुई है, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि ये बिजनेस जो है ये नेशनल इकोनॉमी को मजबूत कर सकता है और मदद कर सकता है। देखिए, 1992 में मैं सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया गया था कुछ ऑटो पार्ट्स बेचने के लिए, और यहाँ पर मैंने सबसे पहली बार अपने एक दोस्त के जरिए MLM बिजनेस के बारे में सुना था। जब मैंने सबसे पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में उससे सुना तो ये मेरे को ऐसा लगा सबसे खूबसूरत मार्केटिंग प्लान है इस दुनिया का। बाद में मैंने इसके बारे में किताबें पढ़ी और सबने MLM को इसी तरह डिस्क्राइब किया हुआ था। सारे किताबों में रोजमर्रा की चीजों के बारे में बताया गया था, और आप इसको इसीलिए खरीदेंगे क्योंकि ये कम कीमत में है और बहुत अच्छे है। आप इसके बारे में दूसरे लोगों को भी बताएंगे और वो भी इसे खरीदेंगे और इस्तेमाल करेंगे। वो दूसरा इंसान फिर और लोगों को जाकर बताएगा कि ये कितने अच्छे प्रोडक्ट है और कितने किफायती हैं ये प्रोडक्ट। इसी तरह से ये चीज निरंतर आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन एक बड़ा कंज्यूमर ग्रुप तैयार कर देगा, क्योंकि ये कंज्यूमर ग्रुप बिना टीवी एड के या बिना न्यूज़पेपर एड के प्रोडक्ट खरीदता है। आपको इसके लिए कमीशन मिलता है क्योंकि आपने इसका प्रचार किया है। इन किताबों में नेटवर्क मार्केटिंग की इसी खासियत के बारे में बात की गई थी। सच कहूं तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरी बीवी ने इसके लिए मना किया था। क्योंकि मेरी प्रिय बीवी इसके खिलाफ थी तो इसलिए मैं MLM का बिजनेस नहीं करना चाहता था। मैं अपनी बीवी की बात हमेशा सुनता हूं, मैं ज्यादातर उसकी बात हमेशा सुनता हूं, पर किसी वजह से मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के साथ एक जुड़ाव महसूस हो रहा था। मुझे ऐसा लगा कि जब तक आप किताबों में जो लिखा हुआ है उसका पालन करते रहेंगे तब तक सब कुछ ठीक चलेगा और आपके मार्केटिंग प्लान में कोई दुविधा नहीं पैदा होगी। तो मैंने इस चीज की खोज करी कि MLM की बुरी छवि क्यों है और इसमें इतनी दिक्कतें क्यों आती हैं लोगों को, और पता चला कि अन्य MLM बिजनेस ने पुस्तकों का पालन नहीं किया था। तो मैंने अपने मन में सोचा कि मैं किताबों के हर शब्द का पालन करने जा रहा हूं, अगर ये अभी भी काम नहीं करता है तो मैं इसे छोड़ दूंगा। मैं वास्तव में परीक्षण करना और देखना चाहता था कि अगर मैं किताबों का अनुसरण करता हूं तो ये कैसा होता है। मैं जानना चाहता था कि क्या लोग वास्तव में प्रोडक्ट्स के बारे में दूसरों को बताएंगे और सूचित करेंगे, जो कि रोजमर्रा की जरूरतें थी, बढ़िया थी और कम कीमत वाली भी थी। इसीलिए एटमी की शुरुआत दो प्रकार के उत्पादों से हुई, एक बुनियादी सेट जो हर कोई उपयोग करता है और एक कार्यात्मक हेल्थ सप्लीमेंट हिमोहिम। मुझे ये भी एहसास हुआ कि जब तक मैं लागत कम नहीं करता, थोक उत्पादन जैसे लागत विचारों के माध्यम से ये काम नहीं करेगा। बड़े पैमाने पर उत्पादन जैसे तरीके वास्तव में लागत कम करने में मदद करते हैं, क्योंकि इस विधि से लागत कम की जा सकती है। एटमी को कीमत कम करने की जरूरत थी, ज्यादा नुकसान उठाए बिना। इस प्रकार हमारा मैनेजमेंट लक्ष्य एक मानव रहित कंपनी है, यानी
कंपनी बिना लोगों के काम कर सकती है, यही हमारा अंतिम मैनेजमेंट लक्ष्य है। शुरुआत में जब कोई सदस्य रजिस्टर होता था और प्रोडक्ट्स ऑर्डर करता था, हमारे पास एक फोन ऑपरेटर था जो सूचनाओं और आदेशों को लिख देता था। यदि कोई फैक्स आता था तो दूसरा व्यक्ति डेटा इनपुट भी करता था। हालांकि हमारे पास उन कार्यों को करने वाले स्टाफ सदस्य नहीं है, इसके बजाय हमने एक वेबसाइट बनाई जहां यदि आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, सभी सेल्स स्टेटमेंट्स अपने आप बन जाएंगे और इसे आयोग के कार्यक्रम में भेजा जाएगा। ये आदेश मुख्यालय के सर्वर पर भी सेव होगा और उसी समय डिलीवरी सर्विसेज के लिए स्टोरेज फैसिलिटी को भी भेजा जाएगा, ताकि उत्पादों को सीधे कंज्यूमर तक पहुंचाया जा सके। इसीलिए किसी व्यक्ति को ऑर्डर लेने और वेयरहाउस को सूचित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिस्टम भी एक वन की सिस्टम है, जहां एक बार जब कुछ इनपुट किया जाता है तो वो कंपनी का इंटरनेट भविष्य में उपयोग के लिए संग्रहित कर लेगा। यदि आप गलत पता दर्ज करते हैं तो उत्पाद उस स्थान पर चला जाएगा। यदि आपने कुछ गलत टाइप किया तो उत्पाद उसी गलती के साथ ही आएगा, क्योंकि आप अपने एड्रेस के लिए जो भी टाइप करेंगे सिस्टम उसे उसी तरह सेव करेगा। मूल रूप से जब आप इसे वेयरहाउस में अपने घर से ऑर्डर करते हैं तो आप अपनी डिलीवरी स्लिप को स्वचालित रूप से प्रिंट कर रहे हैं। अब जब आप कोई ऑर्डर देते हैं वह केवल एक बार किया जाता है। एक बार उत्पाद बन जाने के बाद सिस्टम को प्रोग्राम किया गया है कि उसे मुख्यालय की जगह डिलीवरी वेयरहाउस में भेजना है। डिलीवरी वेयरहाउस पर एक उचित स्टॉक राशि निर्धारित की जाएगी और उत्पादन का प्रभारी व्यक्ति उस स्तर से मेल खाने के लिए उत्पादन को व्यक्तिगत रूप से समायोजित करेगा। इसीलिए उत्पादन लाइन को बताने के लिए किसी की जरूरत नहीं है कि क्या करे या अधिक ऑर्डर के लिए अनुरोध करे। ये सिस्टम इसीलिए बनाया गया था ताकि ये काम कर सके सिर्फ चंद लोगों के जरिए, क्योंकि उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का अर्थ है अधिक लागत। अब इन लागतों को कौन वहन करेगा? अनिवार्य रूप से कंज्यूमर ही है जो आखिरकार इन लागतों को वहन करेगा। इसीलिए भले ही हमें उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना पड़े, मैं इन लागतों को कम करने के लिए जो कुछ भी कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ, ताकि उसका बोझ कंज्यूमर्स पर ना पड़े। उदाहरण के लिए, भले ही हम इस टूथब्रश का उत्पादन करते हैं, पहले हम दर्जनों अन्य टूथब्रशों का परीक्षण करेंगे। एक समय मेरे मुंह में दर्द था और उनका परीक्षण करने से खून बह रहा था, क्योंकि मैंने अपने दांतों को आजमाने के लिए 10 से 20 बार ब्रश किया। इन सभी परीक्षणों को करने के बाद हम टूथब्रश का चयन करेंगे जो हमें लगे कि ये सबसे अच्छा उत्पाद होगा। अब यदि आप सुपरमार्केट गए हैं तो आपको वहां पर एक समान क्वालिटी वाला टूथब्रश मिल जाएगा। अतः हम इस उत्पाद के निर्माता को खोजेंगे, उनसे कहेंगे कि हम 10 लाख का बल्क ऑर्डर देंगे और फिर देखेंगे कि क्या वो डिलीवरी की कीमत कम करने को तैयार है या नहीं। मैंने इन्हें सबसे कम संभव कीमत पर बेचने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ाया। हालांकि निर्माता के मालिक ने जवाब दिया, ओह माय, मुझे नहीं लगता कि इसे इतनी कम कीमत पर बनाना संभव है। मैंने समझाया कि हम हर महीने 1 मिलियन के बैच में ऑर्डर करेंगे, और उसके चेहरे का हाव भाव बदलने लगा। फिर मैंने कहा, क्या मुद्दे हैं? आइए लागत कम करने का कोई तरीका निकाले। उन्होंने बजट और फंड के बारे में बात की तो मैंने प्रस्ताव किया कि मैं कच्चे माल के लिए एडवांस पेमेंट कैश में करूंगा। ऐसा कहने से वो खरीदारी कर सकेगा सप्लायर से रियायती मूल्य पर कच्चा माल। मैंने उसे ये भी कहा कि वह आवश्यक कच्चा माल खरीद ले किसी बिचौलिए के बजाय सीधे सप्लायर से। इस तरह हम आप सभी के लिए कीमत कम कर पाए। इसी तरह एक बार टूथब्रश का इस्तेमाल करने के बाद आप सोचेंगे, वाह, ये इतना बढ़िया है कि मुझे लगता है कि मैं अभी से इस उत्पाद का उपयोग करूंगा। अब हम आपको ऐसे उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए तब तक असंभव होते जब तक हम पूरी तरह से नहीं होते जबरदस्त हमारे मैनेजमेंट में एक तेज रेजर ब्लेड की तरह। इस प्रकार एटमी की मूल्य निर्धारण नीति को रेजर ब्लेड मैनेजमेंट कहा जाता है। एक बिना धार वाली चाकू से लागत कम करने के बजाय हम लागतों का सावधानी पूर्वक विश्लेषण करते हैं और एक तेज रेजर ब्लेड से इसे कम करते हैं। उदाहरण के लिए, ये एटमी टूथपेस्ट है।
और 200 ग्राम के ट्यूब में आता है, जिसका मतलब है कि अधिकांश ब्रांडों की तुलना में अधिक टूथपेस्ट है। इस टूथपेस्ट में प्रोपोलिस नाम का एक इंग्रेडिएंट भी होता है, जो एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक मिश्रण है जो मधुमक्खी के छत्ते को एंटीसेप्टिक बनाता है। हमारे मुंह में वास्तव में बहुत सारे बैक्टीरिया और कीटाणु होते हैं और वे कैविटी और मसूड़ों की बीमारी के असली अपराधी हैं। अब चूंकि हमारे मुंह में किसी भी सामान्य एंटीबायोटिक का उपयोग करना अच्छा नहीं है, प्राकृतिक एंटीबायोटिक एक प्रकार के पौधे के बजाय इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि गलती से निगलने पर भी आपकी सेहत पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुंह में प्रोपोलिस पाया जाता है और हमारा शरीर 100% दक्षता के साथ सीधे इसका उपयोग नहीं कर सकता है। इसीलिए कैरी ने प्रोपोलिस को पानी में घुलनशील बनाने के तरीके पर शोध, विकास और पेटेंट कराया। इस प्रकार इस टूथपेस्ट में प्रोपोलिस का पानी में घुलनशील रूप होता है। अगर हम ऐसी चीजें बेचना चाहते हैं तो हमें शुरू से ही पूरी तरह से तैयार होकर उत्पादन लागत को कम करने की आवश्यकता है। जब हम उत्पादन को मैनेज करें तब भी, वरना ये नहीं होगा। मैं लागत कम करने में सक्षम था क्योंकि जब मैंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 17 साल तक काम किया, मैंने ऑटोमोबाइल कंपनियों को कार के पुर्जे पहुंचाने का काम किया। इसीलिए अंतिम पैसे तक की लागतों की गणना करना बहुत महत्वपूर्ण था। आप ऐसा सोच सकते हैं जैसे सूखे तौलिए में से पानी की आखिरी बूंद को निचोड़ लेना, जिसे आप ड्रायर में डालकर कर सकते हैं। वैसे भी जब किसी एक कंपनी को पुर्जे डिलीवर किए जाते हैं, ये केवल राशि मांगने और उनसे प्राप्त करने के बारे में नहीं है। एक कंपनी से एक व्यक्ति उत्पादन लागत की गणना करने आएगा, कच्चे माल की लागत को प्रति ग्राम लागत के रूप में कैलकुलेट करके। कार्य प्रवाह के संदर्भ में उदाहरण के लिए, वह व्यक्ति बिजली की लागत की गणना आवश्यक हॉर्स पावर की संख्या से करेगा। इस प्रकार उसे ये कहना कि इस प्रक्रिया में बहुत अधिक बिजली का उपयोग किया जाएगा काम नहीं करेगा। वह समय पर स्टॉपवॉच भी लाएगा और फिर श्रम लागत की गणना करेगा। मूल्य रूप से वह श्रमिकों को स्टॉपवॉच शुरू करने और बंद करने के लिए कहेगा। यदि वे 8 सेकंड में समाप्त हो जाते हैं तो वो इसका उपयोग श्रम लागत की गणना के लिए करेगा। इस प्रकार उस समय के दौरान हमने इसे पर सेकंड मैनेजमेंट सिस्टम कहा। और इस तरह हमें लागतों के मैनेजमेंट में पूरी तरह से सक्षम होना चाहिए। जब तक आप इतनी सावधानी नहीं बरतेंगे, कंपनी दिवालिया हो जाएगी और कंपनी टिक नहीं पाएगी। हर साल लागत घटाने वाली टीम आकलन करने के लिए आएगी। इन्हें RCD टीम के नाम से जाना जाता है और इस टीम के नाम पर RCD वास्तव में रीजनेबल कॉस्ट डाउन के लिए है। इसका मूल रूप से मतलब है कि वे उचित तरीके से लागत कम करेंगे, लेकिन ये निर्धारित करना कि क्या कुछ उचित है उनके मानकों पर आधारित है। मैं मजाक नहीं कर रहा। चलिए, बीच में थोड़ा हंस के अच्छा लगा। वैसे भी मैंने 17 साल तक दिन ब दिन यही किया था। कॉस्मेटिक बाजार के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या ये सूखे तौलिए के समान है? नहीं, ये गीले बाल्टी में से तौलिया निकालने के जैसा है। यही है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की हकीकत, क्योंकि सौंदर्य प्रसाधनों की उत्पादन लागत बहुत कम है। इस प्रकार वे विज्ञापन के कारण लगभग 30% और पैसा जोड़ देते हैं। अन्य 30-40% डिपार्टमेंटल स्टोर की फीस के कारण जुड़ जाती है। अंत में कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो कुछ रुपए बचाने का क्या मतलब है? जब कोई चीज जिसको बनाने में केवल 10 रुपए का खर्च आता है, उसे 100 रुपए या 200 रुपए में बेचा जा रहा है। अनिवार्य रूप से कॉस्मेटिक उद्योग में लागत कम होने की कोई अवधारणा नहीं है। मैंने अभी तक एक कॉस्मेटिक कंपनी नहीं देखी है जो इसकी लागत कम करती है। हालांकि एटमी हमारे कम कीमत वाले उच्च क्वालिटी वाले उत्पादों के साथ लागत को अच्छी तरह से कम करने की दिशा में उन्मुख है। थोक उत्पादन और बड़े पैमाने पर बिक्री के माध्यम से हमारे उत्पादों की गुणवत्ता एक ऐसे मानक पर स्थापित की गई है जिसे कोई अन्य कंपनी पार नहीं कर सकती है। हमारी कंपनी की इस अवधारणा को एब्सोल्यूट क्वालिटी के रूप में जाना जाता है और इसीलिए हमारे उत्पादों की क्वालिटी अन्य शानदार ब्रांडों के बराबर है। मूल्य निर्धारण के मामले में हमने इसे उतना ही कम रखा है जितना कि कोई भी कंपनी जा सकती है। हमने जो कीमत तय की है उसे भी ध्यान में रखा जा रहा है संभावित कॉम्पिटिटर्स के लिए। हम ऐसा कर रहे हैं कि ये कॉम्पिटिटर्स बाजार में ना घुस सके। एब्सोल्यूट प्राइस के पीछे
यही मूल अवधारणा है। ये है एक ऐसी कीमत है जिसे कोई और नहीं हरा सकता। ये एब्सोल्यूट गोल्स है जिन्हें हम एटमी में सेट करते हैं और इसे हासिल करने की पूरी कोशिश करते हैं। एब्सोल्यूट गोल्स क्या है ये समझने के लिए यहाँ एक उदाहरण दिया गया है। अपनी अनिवार्य सैन्य सेवा के दौरान मैं तोपखाने की इकाई में था, लेकिन अपने सैन्य सेवा के बाद से मैं फोन लाइन स्थापित करने में विशेषज्ञता प्राप्त करके एक वायरमैन बन गया था। अब फोन लाइनें सिर्फ जमीनी स्तर पर ही स्थापित नहीं होती है, कभी कभी आपको टेलीफोन के खंभों को भी लगाने के लिए चढ़ना पड़ता है। हाँ, अतः आपको उन पर चढ़ने के लिए कौशल प्राप्त करने की आवश्यकता है। चढ़ने के लिए आप अपने जूतों पर गफ्स नाम का कोई चीज पहनेंगे और फिर लाइनों को स्थापित करते समय बैठने के लिए बेल्ट जैसी किसी चीज का उपयोग करेंगे। लोगों ने पूछा कि क्या मैं सचमुच ऐसा कर सकता हूँ, तो मैंने उन्हें दिखाया कि मैं कर सकता हूँ और मैंने यही किया। लेकिन आर्टिलरी कॉर्प एक प्रतियोगिता आयोजित करता था ये देखने के लिए कि युद्ध के समय की तैयारी के रूप में कौन सबसे तेज ऊपर चढ़ सकता है। उस समय मैंने अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया था ये देखने के लिए कि मेरा सबसे तेज समय क्या होगा। प्रतियोगिता के लिए आप खंबे पर चढ़ेंगे, अपनी टोपी को सबसे ऊपर लटकाएंगे और फिर जल्दी से नीचे उतरेंगे। अधिकांश लोगों का औसत समय 15 से 18 सेकंड के बीच था। उस समय मेरा लक्ष्य ये पता लगाना था कि मैं समय को कैसे कम कर सकता हूँ। इसका पता लगाने के लिए मैंने डंडे को जमीन पर बिछा दिया और पोल की ऊंचाई का उपयोग करते हुए एक शटल रन किया। मैंने अपने शटल को चलाने के समय निर्धारित किया और ये लगभग 3.8 सेकंड का था। अब क्या आपको लगता है कि खंबे पर चढ़ना और उतरना संभव है इतनी जल्दी? शटल रन एक अलग बात थी और खंबे पर चढ़ना बिल्कुल अलग। ये असंभव है ना? ये मुमकिन ही नहीं है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति खंबे पर इतनी तेजी के साथ ऊपर नहीं चढ़ सकता जितना कि वो एक शटल रन करने के लिए जमीन पर पड़े एक खंबे पर दौड़ता है। तो मेरा पूर्ण लक्ष्य के साथ मैं जानता था कि मैं चलने की गति से खंबे पर नहीं चढ़ सकता, जिसका मतलब होगा कि मैं एक बार में 1 फीट सुरक्षित रूप से उस पर चढ़ जाऊंगा। हालांकि अगर मैं पोल को रन करना चाहता हूं, मुझे अपना अगला कदम वैसे ही उठाना होगा जैसे मेरा दूसरा पैर खंबे को छूता है। यही एकमात्र तरीका है जिससे आप लंबवत रूप से दौड़ सकते हैं। उस रनिंग तकनीक का इस्तेमाल करते हुए मैंने लगातार अभ्यास किया। यदि खंबा खराब होकर टूट जाता तो मैं दूसरा खड़ा करता। कुछ महीनों तक इसका अभ्यास करने के बाद न केवल मैं चढ़ाई करने में सक्षम हुआ, खंबे को तेजी के साथ ऊपर और नीचे करना और कुछ मांसपेशियां भी हासिल कर ली मैंने। अंत में मैं इसे 3.8 सेकंड में करने में सक्षम था। एटमी के साथ भी मैंने एक निरपेक्ष लक्ष्य निर्धारित किया है जहां मैं उस उत्पाद की कीमत तय करूंगा जिसे कोई हरा नहीं सकता। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैंने एक विस्तृत योजना बनाई थी। अगर मैं लक्ष्यहीन रूप से कीमत कम कर देता तो ये काम नहीं करता। हालांकि भले ही आप एक निरपेक्ष लक्ष्य निर्धारित करते हैं, ये तब तक व्यर्थ होगा जब तक आप लगातार सही प्रयास नहीं करते। एटमी इतनी कम कीमतों में सक्षम है संपूर्ण व्यवस्था के कंप्यूटरीकृत होने के कारण, सिर्फ इसीलिए कि हम लोगों को काम पर नहीं रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम काम करना बंद कर दें, बल्कि हम सब कुछ पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत करके बेहतर काम कर पाएंगे और वे कंप्यूटर उन कार्यों को संभालते हैं। ये सब इसीलिए संभव था क्योंकि हमने ऐसी तर्कसंगत दिशा की स्थापना की थी। मैंने वास्तव में इस कंप्यूटरीकृत प्रणाली के बारे में सोचा था जब मैंने एक ऑनलाइन शॉपिंग मॉल की स्थापना की थी। एक कंपनी में 17 साल तक कर्मचारी के रूप में काम करने के बाद इसे लागत के 10वें हिस्से पर बनाया गया था और वास्तव में अच्छी तरह से बनाया गया था, लेकिन एक समस्या थी। मैं समय से बहुत आगे था। बड़ी उम्र की महिलाएं कीबोर्ड पर ठीक से टाइप नहीं कर पाती थी, तब भी नमकीन मैकरल बिक रहे थे, लेकिन बूढ़ी औरतें पूछती थी मैं नमकीन मैकरल कैसे मंगवा सकती हूँ। तो मैंने उन्हें समझाया कि उन्हें इंटरनेट की जरूरत है, लेकिन उनमें से ज्यादातर के पास कंप्यूटर नहीं था या किसी को कंप्यूटर चलाना नहीं आता था। इस प्रकार मैंने एक कैटलॉग बनाया और उन्हें वितरित किया, फिर वे कैटलॉग देखेंगे और फोन के फैक्स से ऑर्डर देंगे। हमने कॉल सेंटर पर 15 लोगों को काम पर रखा और वे आज्ञा मानते रहे। सो मेरी दृष्टि में जहां मैं आगे की सोच रहा था, समय को आगे बढ़ते हुए देखना दुर्भाग्यपूर्ण और निराशाजनक लग रहा था।
अंत में कंपनी समय से बहुत आगे होने के कारण विफल रही। उस समय मैंने कुछ कठिनाइयां अनुभव की, लेकिन कंप्यूटरीकरण के मामले में मैं इसे अपने दिमाग में पूरी तरह से बनाने में सक्षम था और इसका उपयोग एक ऐसी कंपनी की स्थापना करने के लिए करना चाहता था जिसके पास बेहतरीन कॉम्पिटेटिव बढ़त हो, वे उत्पाद जिनसे हमारी कंपनी डील करती है, रोजमर्रा की चीजें, जिसका अर्थ है कि आपके जीवन की क्वालिटी उनके बिना गिर जाएगी। यहाँ ये उत्पाद जैसे सौंदर्य प्रसाधन को पहली लग्जरी उत्पाद माना जाता था। हालांकि आजकल सौंदर्य प्रसाधनों को दैनिक आवश्यकता माना जाता है ना? यदि मुझे और मेरी पत्नी को बाहर जाना पड़े और हमारे पास समय ना हो, क्या आपको लगता है कि वो खा रही होगी या श्रृंगार कर रही होगी? वो खाने के बजाय अपना श्रृंगार कर रही होगी। इसे देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि महिलाओं के लिए खाने से ज्यादा जरूरी है मेकअप करना। इस प्रकार जब तक ये रोजमर्रा की चीजें जैसे कि डिटर्जेंट उच्च क्वालिटी और कम कीमत के हैं, वे अच्छी तरह से बिकेंगे। हम इस प्रकार के उत्पाद ले जाते हैं। आप में से कुछ यहाँ सोच रहे हैं, ओ माय, ये एक MLM कंपनी है, मैं अभी जाकर सुनूंगा, परंतु मैं इस प्रकार का काम नहीं करने जा रहा हूँ, मैं कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में हिस्सा नहीं लूंगा। आप अपने दिल और कान इस तरह बंद कर सकते हैं। हालांकि बस इतना जान ले कि एटमी सभी को कॉन्ट्रैक्टर बनने की अनुमति नहीं देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में चिंतित है, आपकी उम्र या यहां तक कि आपकी उपस्थिति अन्य कॉस्मेटिक कंपनियों की तरह है। अगर हम इसे लुक्स पर आधारित करते हैं, मुझे नहीं पता कि कितने पास होंगे। वैसे भी एटमी लुक्स की परवाह नहीं करता, क्या राहत है ना? कॉन्ट्रैक्टर होने के लिए एटमी की एक शर्त है, यदि आप ऐसी जगह जानते हैं जहां ये उत्पाद बेहतर क्वालिटी और कम कीमत के हों, या आप कॉन्ट्रैक्टर ना होते हुए भी उन्हें नहीं खरीदते, तो आपको एटमी में कॉन्ट्रैक्टर नहीं बनना चाहिए। अगर आपने किया भी तो आपके लिए सफल होना मुश्किल होगा, क्योंकि अगर आप उन उत्पादों को बेचने की कोशिश करते हैं जिनका आप उपयोग नहीं करते हैं और दूसरों को समझाने की कोशिश करें कि ये पैसे के लिए बढ़िया और कम कीमत वाला है, तो तुम्हारा जमीर ही तुम्हें खाएगा और काम नहीं करने देगा। अब किस प्रकार के लोग इस बिजनेस में सफल होंगे? वे जो एटमी टूथब्रश और टूथपेस्ट खरीदेंगे, या सौंदर्य प्रसाधन क्योंकि वो बेहतर था और इसीलिए नहीं क्योंकि वो ठेकेदार थे। इन लोगों को लगेगा कि उन्हें किसी प्रकार का लाभ मिला है बस खरीदने और एटमी उत्पादों के उपयोग द्वारा, डिटर्जेंट की तरह। यदि आपको लगता है कि इन उत्पादों को खरीदना और उपयोग करना बेहतर है, तो आपको ये बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि वे दूसरों की तुलना में बेहतर क्वालिटी और कम कीमत के हैं। यदि आप इस बिजनेस को उन विचारों के साथ करते हैं, तो आप सफल होंगे, क्योंकि आप उत्पादों के बारे में आत्मविश्वास से बात करने में सक्षम हैं, भले ही दूसरों ने इसके बारे में आपके मुंह से सुनकर अस्वीकार कर दिया हो। आपको सोचने में सक्षम होना चाहिए, न सुनने के लिए ये आपका नुकसान है, आपको इसके लिए शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। हालांकि यदि आपके द्वारा किसी महंगे और खराब उत्पाद के बारे में समझाने के बाद आपको अस्वीकार कर दिया जाए, तो आप शर्मिंदा होंगे, है ना? तब आप सोचने लगते हैं, मुझे एक अमीर आदमी से शादी करनी चाहिए थी। पुरुष दूसरे लोगों की पत्नियों के बारे में सोचने लगते हैं जो घर में पैसा लाती है, और आश्चर्य कीजिए कि उन्हें इतनी देर से काम क्यों करना पड़ता है। चारों ओर की जमीन रास्ता दे देती है और वो हर बात पर नाराजगी जताने लगते हैं, क्योंकि उन्हें सिफारिश करने की कोशिश से चोट लगी है। इतना महंगा खराब उत्पाद और फिर इसके लिए रिजेक्ट हो जाना। फिर भी यदि आप एक बढ़िया और कम कीमत वाले उत्पाद की सलाह देते हैं, ये अलग होगा, क्योंकि आप आश्वस्त होंगे। आप सोचेंगे, यदि आप उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो ठीक है, क्योंकि अन्य लोग करेंगे। मुझे आशा है कि आपको एहसास होगा कि ये आपका नुकसान है और आप इसे खो रहे हैं, क्योंकि आप मानसिक रूप से इसके प्रति इतने आश्वस्त हैं कि जब कोई आपको खारिज कर देगा तो आपको चोट नहीं लगेगी। तो ये बिजनेस आपको करना चाहिए जब आपको विश्वास हो।
कि एटमी के प्रोडक्ट्स उच्च क्वालिटी के हैं और कम कीमत के हैं। एटमी भी उत्पादों के नमूने पेश नहीं करता है क्योंकि ये केवल उत्पाद की कीमत में वृद्धि करेगा क्योंकि नमूने मुफ्त होते हैं। हालांकि वास्तव में नमूने बनाने में बहुत अधिक लागत आती है। उत्पादन की दृष्टि से 10-10 ग्राम नमूने बनाने में 100 ग्राम उत्पाद से अधिक की लागत आती है। इस प्रकार यदि आप निःशुल्क नमूने देने के लिए इधर उधर गए, आपको क्या लगता है कि लागतों को कौन कवर करेगा? ठीक है, सौंदर्य प्रसाधन कंपनी के अध्यक्ष इसके लिए भुगतान नहीं कर रहे होंगे, इसके बजाय इसे उत्पाद की कीमत में जोड़ा जाता है जो इसे और अधिक महंगा बनाता है। फिर भी जब मैं लोगों को बताता हूँ कि इस कॉस्मेटिक सेट की कीमत कितनी है और कैसे प्रत्येक व्यक्तिगत उत्पाद सेट में कम कीमत वाला है, वे कहते हैं मैं इसका उपयोग नहीं कर सकता क्योंकि क्वालिटी वाले उत्पादों की कीमत इतनी कम नहीं होगी। कीमत एक के लिए वाजिब हो सकती है लेकिन 6 वस्तुओं के लिए वो कीमत होनी चाहिए। मैं अपने चेहरे पर ऐसी चीज कैसे उपयोग कर सकता हूँ? एक व्यक्ति था जिसने हमारे उत्पाद को उपहार के रूप में प्राप्त किया। ये व्यक्ति सामान्य रूप से ऐसे ही सेट खरीदता है जिसकी कीमत हजारों रुपए होती है, इसीलिए वो अपने चेहरे पर इस तरह के कम कीमत वाले उत्पादों का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी क्योंकि वो इसे फेंकना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने इसे अपने पिछले और पैरों पर लगाया और 1 महीने बाद उसने देखा कि वहाँ की त्वचा और बेहतर हो गई है। मैंने वास्तव में इसे नहीं देखा लेकिन उसने मुझे यही बताया था। इस प्रकार उसने इसे अपने चेहरे पर इस्तेमाल करना शुरू किया और एक बार उसने किया, उसने महसूस किया कि हमारे उत्पाद महंगे ब्रांडों की तुलना में बहुत बेहतर है। उसने मंच पर लोगों से कहा कि महंगे उत्पादों का इस्तेमाल वो अपने पैरों पर अब करती है और एटमी का उपयोग वो अपने चेहरे पर करती है। ये उत्पाद कम कीमत के हैं क्योंकि इनके बड़े पैमाने पर उत्पादन किए जाते हैं। हम भी कुछ आकर्षक के बजाय एक सरल और साफ डिजाइन के साथ गए। सोने और चमक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप इसे खाली होने पर बाहर फेंक देंगे, इसीलिए हम उस पर पैसा खर्च करने के बजाय वास्तविक उत्पाद पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस प्रकार हमने साधारण कंटेनर पर निर्णय लिया। विज्ञापनों पर कोई पैसा खर्च नहीं किया गया, ना ही दुकानों और डिपार्टमेंटल स्टोर से जोड़ी गई है फीस। सभी अतिरिक्त लागतें और शुल्क जो उत्पादों से जोड़े गए थे सभी को हटा दिया गया और अंतिम मूल्य से बाहर निकाल दिया गया। ये कम कीमत के नहीं है क्योंकि इसमें कच्चे माल या क्वालिटी की कमी है। उनकी कीमत इस तरह है क्योंकि हमने सारी अतिरिक्त लागतें निकाल ली। लोग कहते हैं कि सौंदर्य प्रसाधन प्राकृतिक अवयव से बनता है, ये बहुत अच्छा है ना। फिर भी जब इसे प्राकृतिक अवयव से बनाया जाता है, इसका मतलब है कि पौधे और फलों के रस निकाले जाते हैं, अतः उत्पाद के महंगे होने का कोई कारण नहीं है। जब भी मैं कीमतों की बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि इन उत्पादों की कीमत सामान्य रसों से अधिक होने का कोई कारण नहीं है। वे केवल जड़ों को उबालते हैं, उसमें फलों का रस मिलाते हैं, एक बड़े टैंक में ये मिश्रण बनाया जाता है और फिर इसे पैकेज किया जाता है। जब सौंदर्य विशेषज्ञ ये सुनते हैं तो वे उत्तर देते हैं, ऐसा नहीं है, ये और वो कारखाना। हालांकि मशीनें सारा काम करती हैं, ना कि वो लोग। इसीलिए ये लोग बातचीत में पागल हो जाते हैं जब आप उन्हें बिजली के हिसाब से कैलकुलेट करने के लिए कहते हैं। अंत में सौंदर्य प्रसाधन रस से अधिक महंगा नहीं होना चाहिए यदि आप उन्हें पौधों और फलों के उपयोग करके बनाते हैं, है ना। यदि ये महंगा है तो आपको केवल कीमत कम करने के लिए अधिक खेतों की आवश्यकता है। अब मुझे पता है कि इस एसेंस को बनाने की मशीन महंगी है, लेकिन अगर आप इस उत्पाद से 1 लाख कमा लेते हैं तो इसकी कीमत क्या होगी? ये यही नहीं रुकता क्योंकि तुम इसे लगातार इस्तेमाल करते हो। यदि आप इसे 10 वर्षों तक उपयोग करते हैं तो 10 मिलियन उत्पाद उस लागत को कुछ भी नहीं बना देंगे। ये उच्च क्वालिटी वाले उत्पाद कम कीमत वाले नहीं हैं क्योंकि वह सस्ते हैं। सौंदर्य प्रसाधन अन्य उत्पादों की तरह पानी और तेल के साथ मिश्रित होते हैं, लेकिन सौंदर्य प्रसाधनों में गांठ बेहतर अवशोषण के लिए हटा दिया गया। जब आप उत्पाद को निचोड़ कर देखें तो आप अन्य उत्पादों के विपरीत एक इंद्रधनुष के रंग जैसी चमक देख सकते हैं। जैसे एटमी सार सौंदर्य प्रसाधनों के लिए जंग युवा सेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। क्या आपको लगता है कि एटमी एकमात्र कंपनी थी जिसने पुरस्कार के लिए प्रतिस्पर्धा की थी? न केवल शीर्ष कोरियाई सौंदर्य प्रसाधन कंपनियों ने प्रतिस्पर्धा की, लेकिन लग्जरी ब्रांड नामों के उत्पादों ने भी पुरस्कार के लिए दावेदारी की। सभी कंपनियों ने जीतने की पूरी कोशिश की। ऐसे उत्पाद जिनकी कीमत 11,000 से लेकर 50,000 तक कहीं भी थी, फिर भी पुरस्कार का विजेता सबसे कम कीमत वाले उत्पाद का 10वां हिस्सा भी नहीं था।
आपको इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा था कि आप इसे जूस के साथ बना सकते हैं। मैं केवल उसी के बारे में बात करता हूँ जब मैं कीमतों पर बातचीत कर रहा होता हूँ, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे आप लागत कम कर सकते हैं। हालांकि मैंने इस तरह कीमत कम की, हमारे उत्पाद की क्वालिटी जब वैश्विक बाजार पर रखा जाता है उसको हराया नहीं जा सकता है, और लग्जरी उत्पादों में एक कुलीन वर्ग है। मैं एक शानदार कॉस्मेटिक उत्पाद बनाना चाहता था जिसे कोई भी आम या साधारण व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है, इसीलिए मैंने जितना हो सके कीमत कम और कम की। इसके सेट में मूल रूप से केवल 5 उत्पाद थे, बाद में हमने इसे 6 सिस्टम सेट बनाने के लिए बीबी क्रीम को जोड़ा। जब एक सौंदर्य प्रसाधन कंपनी ने त्वचा का लोशन देखा तो उन्होंने कहा, क्या एटमी के मालिक को कॉस्मेटिक के बारे में कुछ भी पता नहीं है क्या? इतनी बड़ी मात्रा में स्किन और मिल्क लोशन कौन बेचेगा? यदि उपभोक्ता ये सब उपयोग नहीं कर सकता है तो वो पैसा बनाने की योजना कैसे बना रहे हैं? ये लोग हमारे उत्पादों के आकार के बारे में बड़बड़ाते थे। अब मैं उनकी चिंताओं को समझता हूँ, लेकिन अगर मैं सामान्य व्यक्ति के लिए कॉस्मेटिक उत्पाद बनाना चाहता हूँ, मुझे इसे कम कीमत पर बनाने और बड़ी मात्रा में बेचने की जरूरत थी ताकि वे इसका इतना इस्तेमाल करते करते थक सके। एक व्यक्ति ने कहा कि मुझे आशा है कि ये जल्द ही समाप्त हो जाएगा ताकि मैं एक नया खरीदने का आनंद उठा सकूं। तभी आप कह सकते हैं कि ये आम लोगों के लिए कॉस्मेटिक है। ये उत्पाद 135 मिलीलीटर का हुआ करता था, लेकिन हमने इसे बढ़ाकर 150 मिलीलीटर कर दिया। हाँ, ऐसा क्यों करें जब 135 मिलीलीटर भी बहुत है? हमने इसे बढ़ाया ताकि ये आम लोगों के लिए एक उत्पाद बन सके। ये टूथपेस्ट भी सिर्फ 180 ग्राम का था, मैंने कीमत बढ़ाए बिना इसे 200 ग्राम कर दिया। मैंने इसे बढ़ाया ताकि आम लोगों के लिए टूथपेस्ट बन सके। जलते हुए जोश के साथ मैं मिस्टर ची बोंग किम को मनाने गया। वो किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दिखता है जिसे आप शब्दों से समझा नहीं सकते, है ना? मैंने पूछा, क्या आपको लगता है कि ट्यूब बनाने वाली कंपनी और पैसे मांगेगी? अगर हम ट्यूब को 1 से 2 सेंटीमीटर बढ़ा दे तो आपको क्या लगता है कि वो कैसे उत्तर देगा? उन्होंने जारी रखा, मुझे नहीं लगता कि वो करेंगे। तो अगर हम उसमें 20 ग्राम टूथपेस्ट मिला दे, क्या आपको कीमत बढ़ानी चाहिए? काम की मात्रा अभी भी वही होगी, है ना? क्या आपको वास्तव में लागतें बढ़ाने की जरूरत है? यदि आपने टूथपेस्ट को एक बड़े बर्तन में बनाया है, आप अभी भी एक बड़े घाटे के बिना काम कर सकते हैं, है ना? उससे इस प्रकार बातें करने के बाद उसने सहमति से सर हिलाया और इस तरह 20 ग्राम जोड़ गया। लोग कह रहे हैं कि यह घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुश्किल है। बुजुर्गों और युवाओं दोनों के लिए बेरोजगारी बढ़ रही है। कोई अर्थशास्त्री भविष्यवाणी करते हैं कि बहुत सारी समस्याएं और मुद्दे होंगे, तो हम एक चौराहे पर खड़े हैं कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। हालांकि रोजगार में कमी के साथ भविष्य में वृद्धि की अधिक संभावना है। जब ऐसा होता है तो पैसा कमाने का एकमात्र तरीका बिक्री का माध्यम ही होता है। मैन्युफैक्चरिंग में नौकरियां कम होने से प्रतिस्पर्धा और भी तेज हो जाएगी। जो लोग इस प्रतियोगिता के दौरान बस बैठे रहें और अपनी आजीविका का निवेश करते रहें, उनकी सेवानिवृत्ति निधि सहित उनके बिजनेस में सब कुछ बर्बाद ही हो चुका होगा, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं, इसलिए उनके पास जीवित रहने का कोई साधन ही नहीं है और वे एक ऐसे जीवन में पड़ जाते हैं जहां वे बुनियादी जरूरतों को नहीं खरीद पाते हैं। जैसे जैसे ये जारी रहेगा, लोग गंभीर मंदी में गिरते रहेंगे और हम इसी तरह की स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। इसे कैसे दूर किया जाए, ये जानने के लिए कई अर्थशास्त्रियों और सरकारों द्वारा लगातार बातें हो रही हैं रोजगार सृजन और संतुलित वितरण के बारे में। इस प्रकार मुझे आशा थी कि एटमी के माध्यम से उच्च क्वालिटी और कम कीमत
लागत वाले उत्पादों का उपयोग करके आम लोगों का जीवन बेहतर होगा। मैंने भी सोचा था कि ये आपके लिए अपने जीवन यापन के खर्चों को बचाने का एक अच्छा अवसर होगा। वर्तमान में नौकरी के इतने अवसर है नहीं, स्थानीय व्यवसायों के बीच प्रतिस्पर्धा इतनी भयंकर होने के कारण और कई स्टोर विफल भी हो गए हैं। मुझे आश्चर्य हुआ कि लोग पैसे कैसे कमाएंगे। इस प्रकार एटमी व्यवसाय बनाया गया था ताकि आपको पूंजी की आवश्यकता ना हो, ना ही विशेषज्ञ ज्ञान या लाइसेंस की जरूरत पड़े। उम्र भी कोई कारक नहीं बनेगी यहाँ पर। भले ही आपके पास कोई अनुभव ना हो, जब तक आप सिस्टम का हिस्सा बने रहेंगे और लोगों को सेमिनार में लाते रहेंगे, दूसरे लोग इसे आपके लिए समझाएंगे और आपके पास प्रोमोटर होंगे जो आपकी मदद भी करेंगे, तो आप बिना कोई पैसा लगाए ये बिजनेस कर सकते हैं और दूसरों को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आप केवल इतना कहेंगे इसका उपयोग करो, ये महान और कम कीमत वाला है, अगर आपको ये पसंद नहीं है तो इसे वापस ले आओ। आपको बस इतना ही कहना है, जब तक आपके पास मुंह है तब तक आप ये बिजनेस कर सकते हैं। आप अपने आसपास के लोगों के लिए उत्पादों को पेश करके सफल हो सकते हैं, उन लोगों के कारण जिन्हें आप प्यार करते हैं, और क्योंकि ये आप पहली बार बिक्री कर रहे हैं, आप में से बहुत से लोग इस बिजनेस से अपरिचित हो सकते हैं, इसलिए यदि आपको दूसरों से एहसान मांगना पड़े तो आप शायद ऐसा नहीं करना चाहेंगे। हालांकि आपको ये समझने की जरूरत है कि हम दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि हम उन्हें महंगे या बेकार उत्पाद खरीदने के लिए नहीं कह रहे हैं। हम ऐसे उत्पाद पेश कर रहे हैं जिनका वो उपयोग करेंगे। हमारा काम सिर्फ प्रोडक्ट को पेश करना है। यदि वे इसे नहीं खरीदते हैं तो ये इसका अंत होगा। जब आप अपने आसपास के लोगों से इन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते रहेंगे तो कुछ लोग होंगे जो इनके तलाश में होंगे। साथ ही जो लोग इस तरह के बिजनेस की तलाश में हैं, आप ऐसे लोगों को रोजमर्रा की चीजों का इस्तेमाल करने के लिए समझा सकते हैं और उत्पादों को एक साथ वितरित करें। आप सफल होने में सक्षम होंगे ही। भले ही आपने बिना पूंजी के शुरुआत की हो, अगर आप लगातार मेहनत करते रहेंगे तो आप एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं जो एक महीने में 22 लाख से 37 लाख रुपए तक कमा सकता है एटमी कारोबार करने से। ये आपको मदद करने और अपने आसपास के लोगों को वापस देने का अवसर देगा और ऐसा करने की क्षमता रखने वाले एक सम्मानित व्यक्ति बन सकते हैं आप। अब आपको बस इतना करना है कि एटमी बिजनेस को दुनिया में फैलाना है। ये मेरा व्याख्यान समाप्त करता है। सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।